हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेरिश टू लर्न। तो आज आम डिस्कस करवा एंशियंट हिस्ट्री रो एमसीक्यू पार्ट थ्री डिस्कस करवा आम जोटा कि आपको ओपीएससी रो ओसीएस प्रीलिम्स आउ ओमास एग्जाम हेल्पफुल हम। तो आज डिस्कस करवा द महाजनपदस ऑफ इंडो गंगाटिक प्लेन, महाजनपद उपर डिस्कस करवा आम। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फास्ट रहा मैच द फॉलोइंग, तो डिफरेंट ऑफिशियल पोस्ट अच्छी कौन पोर्टफोलियो अच्छी आगुरी जो गोटे पोर्टफोलियो थी जो महामद्रास अच्छी बालीसाधक अच्छी गहपति अच्छी सेठी अच्छी तार मीनिंग कौन से कार्य कौन करुते से टैक्स कलेक्टर वेल्दी लैंडलॉर्ड हाई रैंकिंग ऑफिशियल रिच मर्चेंट। तो देखिए महामद्रास कौन थे, तो महामद्रास कौन थे ना हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे महामद्रास हाई रैंकिंग ऑफिशियल। देखिया जब बालीसाधक देखिए आम कौन थे ना टैक्स कलेक्टर थे बालीसाधक। देन रहा कौन गहपति, गहपति कौन थे वेल्दी लैंडलॉर्ड जो मैंने गहपति कहते। देन है सेठी, सेठी मतलब कौन है ना रिच मर्चेंट, सेठी है कौन रिच मर्चेंट हूँ सेठी। तो आंसर कौन हम ना डी हम आंसर। आंसर है कौन डी। देन देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट। द फर्स्ट कॉइन्स वेयर पॉन्च मार्क कॉइन, पॉन्च मार्क सिल्वर एंड कॉपर कॉइन। फर्स्ट कॉइन जोड़ा थी कौन पॉन्च मार्क सिल्वर एंड कॉपर कॉइन थी। देन द मेन क्रॉप्स ऑफ एज ऑफ महाजनपदस वेयर व्हीट एंड बार्ली। देन देखिए द पीजीडब्ल्यू फेज वाज फॉलोड बाय एनवीपीडब्ल्यू फेज। तो पीजीडब्ल्यू फेज एटी कौन पीजीडब्ल्यू फेज रो मीनिंग कौन है तो पीजीडब्ल्यू फेज रो मीनिंग है कौन द पेंटेड ग्रे वेयर जोड़ा थी पीजीडब्ल्यू मैंने कौन पेंटेड ग्रे वेयर। पीजीडब्ल्यू रो मीनिंग है कौन पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर को। एनबीपीडब्ल्यू है कौन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एनबीपीडब्ल्यू है। तो पीजीडब्ल्यू फेज वाज फॉलोड बाय एनबीपीडब्ल्यू फेज। देन द टैक्स वाज कलेक्टेड बाय सेना नायक, टैक्स वेयर कलेक्टेड बाय सेना नायक। तो यहाँ तो देखिए कौ स्टेटमेंटा ठीक अच्छे। तो फास्ट है कौन द फास्ट कॉइन्स वेयर पॉन्च मार्क कॉइन, तो यहाँ ठीक अच्छे फास्ट कॉइन थी पॉन्च मार्क कॉइन थी ठीक अच्छे स्टेटमेंटा। देन द मेन क्रॉप ऑफ एज ऑफ महाजनपद वेयर व्हीट एंड बार्ली, तो मेन क्रॉपटा व्हीट एंड बार्ली नाला ये भूल अच्छे। मेन क्रॉप व्हीट आउ बार्ली नाला जो देखिए सही टाइम स्टापल क्रॉप थी कौन स्टापल क्रॉप जो देखिए राइस थी ता सहित अलग क्रप मध्यम गुड़ा होता है। तो मेन क्रप कौन व्हीट आ बार्ली नाला तो ये स्टेटमेंटा रंग अच्छी। राइस राइस थी मेन स्टापल क्रप थी राइस सहित व्हीट बार्ली कटन फटन एगुड़ा देन द पीजीडब्ल्यू फेज वाज फॉलोड बाय एनबीडब्ल्यू फेज। तो ये कौन पेंटेड ग्रे वेयर फेज थी से टाइम ठीक अच्छे पीजीडब्ल्यू फेज फॉलोड बाय एनबीडब्ल्यू फेज। देन द टैक्स वाज कलेक्टेड बाय सेना नायक, आम पूर्व क्वेश्चन में देखे कौन टैक्स किए गले करते बालीसाधक जी टैक्स कलेक्ट करते तो ये स्टेटमेंट भूल अच्छी ये कौन बालीसाधक ये टैक्स कलेक्ट करते। तो जो देखिए कौन स्टेटमेंट आई एंड थर्ड आई हूँ करेक्ट हम कौन वन हम केवल आंसर कौन है आई एंड थर्ड आई। देन देखिए मैच द फॉलोइंग अच्छी मगध अंग कोशल तार कैपिटल गुड़ा बेसिकल दे चंपा वाराणसी राजगृह श्रावस्ती। तो यार देखिए मगधर कैपिटल कौन थी मगधर कैपिटल कौन थी राजगृह थी मगधर कैपिटल। अंग कार कैपिटल थी अंगर कैपिटल थी चंपा, कोशल थी कौन श्रावस्ती, काशीर थी कौन वाराणसी, काशीर थी वाराणसी। तो आंसर कौन है सी है आंसर है सी। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनबीपीडब्ल्यू फेज
एंड मार्क द ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड हेयर फेस जोड़ा थिला तो तार कौ स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छे देखा। राइस वाज स्टेपल डाइट ऑफ एनिबिलियन फेस आम देखे ये पूर्व क्वेश्चन राइस थिला कौन स्टेपल डाइट थिला राइस। देन देखा पिजेंट न्यू अबाउट पैडी ट्रांसप्लांटेशन एटा मध्य ठीक अच्छे पैडी ट्रांसप्लांटेशन विषय जानते हैं। तो एनबीपीडब्ल्यू फेज मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ सेकेंड अर्बानाइजेशन एटा मध्य ठीक अच्छे। बॉन्ड ब्रिक एंड रिंग ऑयल वेयर यूज्ड इन द एनबीपीडब्ल्यू फेज से टाइम कौन बॉन्ड ब्रिक और रिंग ऑयल यूज होता तो कौन हम एगुटा सब स्टेटमेंट गुड़ा करेक्ट अच्छे। राइस थिला कौन मेन स्टेपल क्रॉप आप देखे क्वेश्चन ने। देन देखिए मैच द फॉलोइंग बिंबिसार अच्छा अजात शत्रु उदयन शिशुनाग तो या सहित कौटा करेक्ट रहा के कौन पॉलिसी कौन थिला तो सहीटा देखिए कौन कौन करते टाइम तो देखिए कौन मैट्रिमोनियल अलायंस आग्रेसिव पॉलिसी बिल्ड फोर्ट एंड पाटलिपुत्र रहा शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली। तो जो देखिए कौन आग्रेसिव पॉलिसी कहार थिला तो देखिए हम कौन बिंबिसार जो देखिए कौन मैट्रिमोनियल अलायंस बिंबिसार करते बिंबिसार कौन मैट्रिमोनियल अलायंस करते बिंबिसार तो कौन तीन टाइम मैट्रिमोनियल अलायंस करते थ्री मैट्रिमोनियल अलायंस करते तीन टाइम मैट्रिमोनियल अलायंस करते सी डिफरेंट प्रिंसली फैमिली सहित कौन अलायंस करते तो डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज कौन एनोर द वे फॉर एक्सपेंशन मगधर एम्पायर एक्सपेंशन जोटा हेल्पफुल करता तो सेटा कौन है फास्ट वाइफ जी थे कौन तो कोशल थे फास्ट वाइफ कोशल एम्पायर थे महाकोशल था ना कोशल प्रिंसेस थे महाकोशल महाकोशल जी कौन प्रसेनजीत कोशल किंग थे प्रसेनजीत सिस्टर थे लिच्छावी प्रिंसेस किए थे चेलाना जी की अजात शत्रु को जन्म देते लिच्छावी प्रिंसेस लिच्छावी प्रिंसेस चेलाना जी की अजात शत्रु माँ रही कौन डॉटर ऑफ चीफ ऑफ माड्राक्लान डॉटर ऑफ माड्राक्लान डॉटर ऑफ माड्राक्लान जो पंजाब रुला सहित मैट्रिमोनियल अलायंस करते पंजाब तो यम सहित मैट्रिमोनियल अलायंस करते तार अजात शत्रु कौन आग्रेसिव पॉलिसी थी सी कौन बिंबिसार पुओ थे तो जे कि कौन लिच्छावी प्रिंसेस चेलाना सन्तान थे तार उदयन कौन करते बिल्ड फोर्ट एट पाटलिपुत्र फोर्ट बनाते उदयन तापर कौन हम शिशुनाग कौन करते कैपिटल सिफ्ट करते वैशाली की वैशाली कैपिटल सिफ्ट करते तो सब गुड़ा ठीक ठाक अच्छे देखा सिक्स देखा हमें कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज व्हेदर इट वाज ए रिजल्ट ऑफ पर्सियन इन्फ्लुएंस पर्सियन इन्फ्लुएंस कौन होता बेल शेप्ड कैपिटल ऑफ अशोक रॉक हिल तो अशोक रॉक हिल बेल शेप्ड होता कौन पर तो यहाँ कौन पर्सियन इन्फ्लुएंस ना द फॉरेस्ट स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन वन लाइन एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन नेक्स्ट लाइन इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन स्कल्पचर तो पर्सियन इन्फ्लुएंस मौर्यन स्कल्पचर ठीक अच्छे बेल शेप थी कैपिटल ठीक अच्छे कि फॉरेस्ट स्क्रिप्ट एमती लिखा जाए ना यहाँ कौन हो बोस्ट्रो फेडरन बोस्ट्रो फेडरन थी बोस्ट्रो फेडरन बोस्ट्रो फेडरन लिखा था लेफ्ट रू राइट टू लेफ्ट नेक्स्ट लाइन लेफ्ट टू राइट था जो कौन हरप्पा सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट था तो आंसर कौन हम आई एंड थर्ड आई हम करेक्ट। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल ऑफ महाजनपद पीपल वर्शिप्ड गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड एनिमल एटा भूल अच्छी पीपल तो केवे करू नथिले सेमती एटा कौन मोर हरप्पा नेरा कथा कहूँ तो कौन गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एनिमल से मान करथिले तो आइडल वर्शिप नथिला तो जनरली पीपल बिलीव्ड इन ब्राह्मणिकल ऑर्डर एंड शूद्र स्वेयर एक्सप्लोइटेड बाय ऑल शूद्र कौन सब वर्ण सिस्टम जो लास्ट रखे किए शूद्र थे फास्ट थे ब्राह्मण क्षत्रिय देन वैश्य लास्ट थे शूद्र जो मैंने कौन डिसेबिलिटी कर दी जाइए तो शूद्र सब लोअर थे
तो ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ଜେନେରାଲ ପିପଲ ବିଲିଭ ଇନ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ଅର୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଶୂଦ୍ର ସ୍ୱୟର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍ ବାଇ ଅଲ। ତାପରେ ତ ସୋସାଇଟି ୱାଜ କ୍ଲିଅରଲି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନଟୁ ଫୋର ବର୍ଣ୍ଣ, କହିଲେ ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ଦେୟାର ଇଜ ଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ ପ୍ରିଭିଲେନ୍ସ ଅଫ ସତୀ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଅଫ ଗାର୍ଲସ ବାଇ ଦ ପୁଅର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ସତୀ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସତୀ ପ୍ରଥା ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ସୋସାଇଟିରେ। ତ ତିନିଟା ଯାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି କେବଳ ଆଇକୁ ଛାଡ଼ିକି। ତ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ, ଟୁ ଆଇ, ଥାର୍ଡ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଭି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର୍ସ ଇନଭାଜନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଥ୍ରୋ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଦ ଗ୍ରୀକ୍ କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଏବାଉଟ ଗ୍ରେଟ୍ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଇନଭାଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ 326 BC, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ତକ୍ଷଶିଳା ପୋରୁଷ ଫଟ୍ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟାରୀ ୱିଥ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହ୍ୱାଇଲ୍ କିଙ୍ଗ ଅମ୍ବି ସବମିଟେଡ୍ ମିକ୍ଲି ବିଫୋର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ତ ଏଇଟା ରୁଲର ଅଫ୍ ତକ୍ଷଶିଳା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ରେଷ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୋରୁ ତକ୍ଷଶିଳା ରୁଲର ନଥିଲେ, ତକ୍ଷଶିଳା ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ, ଆମ୍ବି ଥିଲେ। ଅମ୍ବି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଠାରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟାରୀଲି ୱିଥ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ତ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତକ୍ଷଶିଳା ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ, ଅମ୍ବି ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କଙ୍କଡ ମଗଧ, ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମଗଧକୁ କଙ୍କଡ କରିନଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କଙ୍କଡ ମଗଧ ଭୁଲ। ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆଇ ହେବ କରେକ୍ଟ। ତ ତକ୍ଷଶିଳା ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ, ଅମ୍ବି ଥିଲେ, ଯିଏକି ସବମିଟେଡ୍ ମିକ୍ଲି ବିଫୋର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ପୋରୁ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଡାରିଲି ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସହିତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଇନଭାଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ପର୍ସିଆନ୍ ଇନଭାଜନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଇଣ୍ଡୋ ପର୍ସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଷ୍ଟେଡ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫର 200 ଇୟର୍ସ ବିଫୋର ଗ୍ରୀକ୍ ଇନଭାଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା, ସାଇରସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲର ଟୁ ଇନଭାଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଭାଡ଼ କିଏ କରିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୀକ୍ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ, ସାଇରସ୍। ଦେନ୍ ଦ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧାରା ୱାଜ୍ 20th ଷ୍ଟ୍ରାଟ୍ରାପି ଅଫ୍ ପର୍ସିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ ଏନ୍ରୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ପର୍ସିଆନ୍ ଆର୍ମି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁ କ'ଣ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ କରେକ୍ଟ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତାର ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା, ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ, ତ କେଉଁ ରୁଲର କେଉଁ ଡିନାଷ୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ, ବିମ୍ବିସାର କେଉଁ ଡିନାଷ୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଥିଲେ, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ଅଶୋକା, ଶିଶୁନାଗ। ତ ହାରଣ୍ୟକ ଡିନାଷ୍ଟି, ହରିୟଙ୍କା ଡିନାଷ୍ଟି, ସିପ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟୁ ବୈଶାଳୀ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡିନାଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବାବଲି କିଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫାଦର। ତ ବୋଧେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ପ୍ରୋବାବଲି କିଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫାଦର ହେବ। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ହେବ, ବି ହେବ, ଆଇ ଭି ହେବ, ବି ହେଲା ଆଇ ଭି। ତାର ବିମ୍ବିସାର କ'ଣ ହେଲା, ହରିୟଙ୍କା ଡିନାଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଦେଖିବା, ଅଶୋକା ହେଲା କ'ଣ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡିନାଷ୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିଶୁନାଗ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁଠୁ, ବୈଶାଳୀକି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଟୁ ବୈଶାଳୀ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା, ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଫଲୋଇଂ ଅଛି, କୋଶଳ ଅଛି, ମଲ୍ଲସ ଅଛି, ବାଜିଶ ଅଛି, ବତ୍ସ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ଲୁମ୍ବିନୀ ସିଚୁଏଟେଡ୍ କେଉଁଠି, କୋଶଳରେ ଅଛି ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ମଲ୍ଲସ କ'ଣ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧ ପାଷ୍ଟ ଆଟ୍ କୁଶିନାର ବା କୁଶିନଗର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଲ୍ଲସର ପାର୍ଟ ଥିଲା। ବାଜିଶ କ'ଣ ହେଲା, ମହାବୀର ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦିସ୍ କନଫେଡେରେସି ଅଫ୍ କ୍ଲା, ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ବାଜିଶରୁ। ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲା, କିଙ୍ଗ ଉଦେନ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ବୁଦ୍ ଦ ହିରୋ ଦେ ଆର୍ ମେଜର ଡ୍ରାମାସ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତ 11 କ'ଣ ହେଲା, ଏ ହେବ। ତାପରେ ଅଛି ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଭଲ ଅଛି, ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ରାଜଗୃହ, ଉଜ୍ଜୈନ ଆଉ ଶ୍ରବସ୍ତି। ପାଟଳୀପୁତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା, ପାଟଳୀପୁତ୍ର ତାର ଏପଟେ ଅଛି କ'ଣ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ କୋଶଳ, ୱାଟରଫୋର୍ଟ, ଇମ୍ପ୍ରେଗନେବୁଲ ଆଜ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଫାଇଭ ହିଲ୍ସ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଅବନ୍ତୀ। ଦେଖିବା ଡି ଦେଖିବା, ଯଦି ଶ୍ରବସ୍ତି ହେଉଛି କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଶଳର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା ଶ୍ରବସ୍ତି। ତାପରେ ୱାଟରପୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଥିଲା, ୱାଟରପୋର୍ଟ ଆମର କେଉଁଠି ଥିଲା, ତ ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ ୱାଟରପୋର୍ଟ ଥିଲା ମଗଧ ଏମ୍ପାୟାର, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ, ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ୱାଟରପୋର୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜଗୃହ,
राजगृह कौन थिला? तो राजगृह कौन है? इम्प्रेगनेबल आर सराउंडेड बाय फाइव हिल्स। देन उज्जैन है कौन? कैपिटल ऑफ अवंती। उज्जैन है कौन? कैपिटल ऑफ अवंती। तो आंसर है कौन? सी। ए है कौन? टू आई पाटलिपुत्र है वाटरफोर्ट। बी है कौन? राजगृह इम्प्रेगनेबल आज सराउंडेड बाय फाइव हिल्स। तो सी है कौन? कैपिटल ऑफ अवंती उज्जैन। श्रवस्त है कैपिटल ऑफ कोसल। तो देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन व्हिच इज इनकरेक्ट। देखिए आगे तो आयरन इम्प्लीमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ लार्जर किंगडम। एग्रीकल्चर डेवलप है एग्रीकल्चर कौन? एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप है। जंगल क्लियर कले आयरन टूल द्वारा। वेपन बना है वेपन नुआ बनैले कौन? टेरिटोरियल एक्सपेंशन है। तो ये स्टेटमेंट ठीक अच्छे। तो ये इनकरेक्ट गोटा। तो यहाँ तो ठीक अच्छे। तो द फोर मोस्ट पावरफुल महाजनपद कोड़ा थी मगध कोसल वत्स अवंती। ये स्टेटमेंट मध्य ठीक अच्छे। तो चारिटा पावरफुल थी कौन? मगध कोसल वत्स आउ वत्स आउ अवंती। तो यहाँ थी चारटा मोस्ट पावरफुल। जदि पचार कौन गण परिषद कौटी थी? गण परिषद थी कौटी? बाजी आउ मल्लरे। बाजी आउ मल्ल गण परिषद थिला गणसंघ सॉरी गणसंघ थिला गणसंघ थिला कोडी बाजी आउ मल्लरे। तारे महाजनपद वेयर मोस्टली सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यस। एटा मध्ये ठीक अछि। तो पीपल नाउ हैड एलिजेंस टू जनपद रादर देन द जन। तो ये स्टेटमेंट ठीक अछि। तो यदि जे इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट कोडा नै नॉन ऑफ द अबव आंसर। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट। द फाउंडर किंग ऑफ हरियंका डायनेस्टी वाज बिंदुसार। तो बिंदुसार को कहा जाए फाउंडर। बट एक्चुअल फाउंडर है कौन? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर है फाउंडर। ग्रैंडफादर ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार है फाउंडर। तो ये स्टेटमेंट टा रॉन्ग अच्छे। अजात शत्रु एडेड वैशाली टू हिज किंगडम। ठीक अच्छे। शिशुनागस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ अवंती। ठीक अच्छे। देन देखिबा तो शिशुनागस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट देखिले एटा डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती। तार महापद्मानंद टूक द टाइटल एकरात। एकरात टाइटल माने से नहीं थे महापद्मानंद। तो एटा कौन होला? आंसर हो सी। था टू आई थर्ड आई एंड आई भी ठीक अच्छे। केवल फाउंडर किंग ऑफ हरियंगा डायनेस्टी किए है ग्रैंडफादर ऑफ बिंदुसार। तो सेटा भूल अच्छे। देन 15 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन व्हिच जस्टिफाइज द रीजन बिहाइंड मगध सक्सेस। तो मगधर सक्सेस कौन कौन कारण थी? मगध हैड हाई इनकम ऑन अकाउंट ऑफ फर्टाइल प्लेन ऑफ गंगा बेसिन। तो यहाँ ठीक अच्छे। फर्टाइल रीजन थी मगध अंचल। तो फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध राजगृह वाज ए वाटरफोर्ट। तो मगध कैपिटल गोटे राजगृह को कौन गोटे तो वाटरफोर्ट थी। तो राजगृह वाटरफोर्ट ना पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र इज ए वाटरफोर्ट थी। तो सेकेंड कैपिटल पाटलिपुत्र वाज लोकेटेड ऑन स्टैटिक पोजिशन ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन। ये पढ़ले यार आंसर करहब। तो गंगा और सोन कन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजिकली कौन इंपोर्टेंट थी? तो अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ मगधन पीपल टू एडेड इन द स्ट्राइज ऑफ ग्लोरी। तो अनऑर्थोडॉक्स थे से कौन अभिवृद्धि में सहायक होते। तो यहाँ कौन हम ना आई थर्ड आई एंड आई बी। आई थर्ड आई एंड आई बी है करेक्ट। तो ए हम करेक्ट। देन 16 देखा मैच द फॉलोइंग निशक बेसा ग्रामीणी आयुक्त। तो तो कॉयन अच्छी स्टेट ऑफिशियल अच्छी विलेज हेड अच्छी मर्चेंट स्ट्रीट अच्छी। तो ग्रामीण रु ग्राम रु ग्रामीण अच्छी आराम जना पड़ी। ग्रामीण जी कौन विलेज हेड है ग्रामीण है कौन विलेज हेड। तार बेसास अच्छी कौन ना मर्चेंट स्ट्रीट है कौन बेसास तो कहती। देन है ग्रामीण देखिले आम ग्रामीण विलेज हेड। तापर देखिए कौन निशक। निशक कौन निष्का है कौन कॉइन आयुक्त कौन स्टेट ऑफिशियल। तो आंसर कौन है ए आई बी आई बी सी थर्ड आई एंड डी टू आई।
ତା ଦେଖିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଦେଖିବା, ତ ଚେତି, ମଗଧ, ତକ୍ଷଶିଳା ଆଣ୍ଡ ଅବନ୍ତୀ ଅଛି, ଶିଶୁପାଳ ଅଛି, ବିନ୍ଦୁସାର ଅଛି, ଅମ୍ଭି ଅଛି, ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ଅଛି, ତ କେଉଁଟା କାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଚେତି ହେଲା କ'ଣ ନା ଶିଶୁପାଳ, ମଗଧ ହେଲା କ'ଣ ବିନ୍ଦୁସାର, ଦେଖିବା ତକ୍ଷଶିଳା ହେଲା କ'ଣ ଅମ୍ଭି, ଅମ୍ଭି ତକ୍ଷଶିଳା ରୁଲର ଥିଲେ, ଅମ୍ଭି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଅବନ୍ତୀ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ, ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ଏ ହେଲା। ଦେଖିବା କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ଦ ଅପସନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ। ତ ଶିଶୁନାଗ ୱେଆର୍ ସକ୍ସିଡେଡ଼୍ ବାଏ ହରିଅଙ୍କା ଡିନାଷ୍ଟି, ତ ଶିଶୁନାଗ ଡିନାଷ୍ଟି କାହାକୁ ସକ୍ସିଡ କରିଥିଲେ, ଦେଇଛି ହରିଅଙ୍କା ଡିନାଷ୍ଟି କି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ହୁଇଚ୍ ଇନକରେକ୍ଟ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କାରଣ ଏଇଟା ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଫଟ୍ ୱିଥ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନଥିଲା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ତାର ଶିଶୁନାଗସ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଅବନ୍ତୀ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମହାପଦାନନ୍ଦ ଆକର୍ଡ କଳଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଇନକରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ କେଉଁଟା ହେବ, ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆଇ ହେଲା ଇନକରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆଇ ହେଲା କ'ଣ ଇନକରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆଇ। ଏଇଟା କ'ଣ ଶିଶୁନାଗ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତ ପ୍ରିସିଡେଡ଼୍ ବାଏ ହରିଅଙ୍କା, ଶିଶୁନାଗ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ହରିଅଙ୍କା ଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରିସିଡେଡ଼୍ ବାଏ, ପ୍ରିସିଡେଡ଼୍ ବାଏ ହରିଅଙ୍କା ଥିଲେ, ଆଉ ସକ୍ସିଡେଡ଼୍ ବାଏ କ'ଣ ହେଲା, ସକ୍ସିଡେଡ଼୍ ବାଏ ତ ଏଇଟା ସକ୍ସିଡେଡ଼୍ ବାଏ କ'ଣ ହେବ ନା ନନ୍ଦ ଡିନାଷ୍ଟି, ତ ସକ୍ସିଡେଡ଼୍ କିଏ ହେଲା ନନ୍ଦ, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା 18 ହେଲା କ'ଣ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଆଇ, ସରି ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆଇ ହେଲା କ'ଣ ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 19 ଦେଖିବା ଆମେ, କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ଦ ଅପସନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ୟାଦୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ବିମ୍ବିସାର ସେଣ୍ଟ ହିଜ୍ ରୟାଲ ଫିଜିସିଆନ ଜୀବକ ଟୁ ଉଜ୍ଜୈନ ଫର ହେଲ୍ପିଂ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଅବନ୍ତୀ ହୁଆ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଜଣ୍ଡିସ, ତ ବିମ୍ବିସାର କ'ଣ ପଠାଇଥିଲେ, କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଜଣ୍ଡିସ କ'ଣ ସେ ଜଣ୍ଡିସରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବକକୁ ସେ ପଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ମିଲିଟାରୀ ନ୍ୟୁ ମିଲିଟାରୀ ୱିପନ୍ସ ଇନ୍ ହିଜ୍ ମାଇଟିଡ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ବୈଶାଳୀ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମଗଧନ୍ସ ୱେୟାର ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅନ୍ ବିଗ୍ ସ୍କେଲ, ତ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ମଗଧ ମାନେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ୱାଜ୍ କ'ଣ ଡିଫିଟେଡ୍ ଉଦୟନ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା, ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ଡିଫିଟେଡ୍ ଉଦୟନ ନଟ, ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ଟୁ ଆଇ, ସରି ଆଇ ଟୁ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଆଇ ହେଲା ଆନ୍ସର। ଦେଖିବା କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରି ମୌରିଆନ ଟାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ଦ ଅପସନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ତ ପ୍ରି ମୌରିଆନ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଲିଗାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ୍ ପାର୍ସିଆଲି ବାୟାସ୍ଡ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ଶୂଦ୍ରସ, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ୱିମେନ୍ ୱେଆର୍ ହାଇଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟଡ୍ କ'ଣ କନସିଡରେବୁଲ ଫ୍ରିଡମ୍, ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦ ପୁଅରଲି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଫ୍ ସଭା ଆଣ୍ଡ ସମିତି ଲଷ୍ଟ ଦେୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଗଣସଂଘ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରାଇଜେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ନା ଆଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ମୋ ପପୁଲାର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଫ୍ ସଭା ସମିତି ଲଷ୍ଟ ଦେୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ 20 ନମ୍ବର ହେଲା, ତାର ପଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ଗଣସଂଘ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ରିଜିଡ୍ ଆଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି।
आई डू आई थर्ड आई, अरे आई थर्ड आई एंड आई भी तो आई है कौन ना द लीगल एंड सोशल सिस्टम आज पार्शियली बायस्ड अगेंस्ट शूद्र ठीक अच्छी शूद्र सब लॉयर थे अन्य सिस्टम फोर्थ थे तो अगेंस्ट कौन डिसेबिलिटी करा पॉलिसी पर तो वुमेन आर हाईली रेस्पेक्टेड एंड एंजॉयबल एंजॉयड कंसीडरेबल फ्रीडम तो यहाँ भूल अच्छी फ्रीडम कौन फ्रीडम नाला सही सती प्रथा अतिप्रथा युवा साइड जाइए तो पॉपुलर असेंबली ऑफ सभा समिति लॉस्ट देयर इंपोर्टेंस यहाँ कौन हम यहाँ ठीक अच्छे द पॉलिटी एंड सोशल लाइफ ऑफ कौन संघ सो एज नॉट रिजिड एज दैट ऑफ किंगडम एटा मध्यम ठीक अच्छे कोड़े कौन बी एल आई टू आई थर्ड आई एंड आई बी द वुमेन आर हाईली रेस्पेक्टेड एंजॉयड फ्रीडम एटा भूल अच्छे तो देन देखिए हमें तो क्वेश्चन सब सरला कोड़ेटा क्वेश्चन कले हमें तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब करो थैंक यू।